हेलो गाइस, वेलकम बैक टू BFT फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में गाइस हम प्रीव्यू करेंगे ऑकलैंड हार्ट्स वर्सेस नॉर्दर्न ब्रेव वेमेंस के बीच में जो मैच होने वाला है। ये गाइस HBJ शील्ड का मैच है, हैलीबर्टन जॉनस्टन शील्ड का। यहाँ गाइस 50 ओवर्स का मैच होता है। HBJ शील्ड जो है 50 ओवर्स फॉर्मेट में है और फैंटेसी के लिए बहुत अच्छे मैचेस होते हैं। होता क्या है कि ये सीरीज़ हर साल इंतज़ार करते हैं HBJ का, WNCL का और ये सुपर स्मैश T20 वेमेंस वाला हर साल इंतज़ार करते हैं। लेकिन होता क्या है कि न्यूजीलैंड के अंदर बारिश इतनी होती है कि आधे से ज़्यादा मैच जो है बारिश खा जाती है इनकी। आज तीन मैचेस हैं, तीनों मैचेस की मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दूंगा और काफ़ी क्विक तरीके से दूंगा, बिकॉज काफ़ी लिटिल है जो यहाँ पर आपको समझना है। और सिर्फ चार छः प्लेयर पे अगर फोकस कर लोगे तो ग्रैंड लीग हंस के यहाँ पर आपकी आ सकती है। शुरू करते हैं इस प्रीव्यू को। टॉस टाइमिंग गाइस तीनों ही मैच का सेम है, 3 बजे। ये हम पहले मैच की बात कर रहे हैं ऑकलैंड हार्ट वर्सेस नॉर्दर्न ब्रेव के बीच में। वेन्यू कौन सा है गाइस? कॉलिन मेडन पार्क ऑकलैंड का। अभी तक पॉइंट्स टेबल पे क्या हाल है? नॉर्दर्न ब्रेव्स ने 7 मैच खेले हैं जिसमें से 2 मैच जीते हैं, ऑकलैंड ने 5 मैच खेले हैं जिसमें से 3 मैच जीते हैं। ये मैच वो है बिसाइड द रेन, जो बारिश की वजह से ख़राब हुए उनको काउंट नहीं किया है मैंने। लास्ट मैच गाइस इस वेन्यू के ऊपर 17 दिसंबर को हुआ था, वो भी अबैंडन हो गया था, लेकिन उससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। टीम ने यहाँ पर बॉलिंग चूज़ की थी, यहाँ पर जो 136 का टारगेट दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ 136 का, वो भी 50 ओवर फॉर्मेट में। आप समझ सकते हो टीम किस तरीके से कोलैप्स हुई थी। पहली पारी में 8 के 8 विकेट जो है राइट आर्म पेसर्स को मिले थे, 2 रनआउट्स थे। दूसरी पारी में यहाँ पर 56 बन रहे थे, मतलब दूसरी पारी में देख रहा था स्कोरिंग बहुत बढ़िया हो रही थी। दूसरी टीम थी वो स्ट्रांग भी काफ़ी थी, विकेट्स आते ज़रूर लेकिन 2-3-4 विकेट आते तो वो पेसर्स का ही मुझे यहाँ पर रोल लग रहा था, क्योंकि ये जो वेन्यू है कॉलिन मेडन पार्क की पिच यहाँ पर जनरली पेसर्स को ही सपोर्ट करती है। यहाँ से कैसे हम बात करें आज के स्क्वाड की, तो सबसे पहले स्क्वाड की तरफ चलते हैं। यहाँ से कहीं स्क्वाड ये लोग पहले ही अनाउंस कर देते हैं कौन सा स्क्वाड हमारा खेलेगा आज। तो नॉर्दर्न ब्रेव की तरफ से देखो, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। एमआर रिचर्डसन टीम की कैप्टन है, सीनियर प्लेयर है। कैरल अगाफिल है, सैम बरीबल है जो अच्छी खासी हिटिंग करती है, मेरेमा डाउंस, यास्मीन करीम, काइली नाइट बढ़िया बॉलर है, श्रेया नायडू टैलेंटेड बॉलर है, चालोर सासफील्ड कमाल की स्पिनर है, होली टॉप है, नैन्सी पटेल है राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर, अंडर 19 की प्लेयर है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया न्यूजीलैंड की, ईव बॉलेंट और यहाँ से ल्यूसी पाउचियर। यहाँ से गाइस ये हो गया पूरा नॉर्दर्न ब्रेव का स्क्वाड। यहाँ से गाइस ये ऑकलैंड हार्ट्स का स्क्वाड है। इसमें गाइस 2 न्यूज़ ऐसी हैं कि एक तो इनका सीज़न के जो प्लेयर्स हैं वो अब नया सीज़न आने वाला है तो नए प्लेयर्स ये लेंगी फ्रेंचाइजी इनकी, लेकिन ये 2 प्लेयर्स हैं होली एडल्सन और केटी परकिंस, इनका आज फेयरवेल मैच है। यहाँ से गाइस आप देखोगे इनका स्क्वाड तो मुझे ये तो थोड़ा सा वीक लग रहा है जस्ट बाय लुकिंग एट द स्टैट्स ऑन पेपर। जो इनका स्क्वाड है मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है बिकॉज बेला आर्मस्ट्रॉन्ग यहाँ पर है नहीं, AJ भी इनकी तरफ से खेलती हैं, AJ वेलिंगटन, वो भी यहाँ पर अनाउंस नहीं हुई है। तो इनका स्क्वाड देखो, स्काई बॉर्डन है, एना ब्राउनिंग है, प्रियोई कैटॉन जो है वो इस टीम की कैप्टन है, इजी गेज है, एमी हक्कर है विकेट टेकर है, होली एडल्सन बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेती हैं। सॉरी गाइस क्या है ये, हाँ यहाँ से गाइस ब्रियन इलिंग है, बी इलिंग के नाम से होंगी फैंटेसी में, केट एरविन है, एम्बली पार है, जेसी पेनफोल्ड है, जोसी पेनफोल्ड, ये मोली पेनफोल्ड की सिस्टर है, केटी परकिंस है सीनियर प्लेयर है और साची सहरी है। ये गाइस कुछ प्लेयर्स हैं, इसमें से होली एडल्सन और केटी परकिंस का आज फेयरवेल मैच है फॉर ऑकलैंड हार्ट्स। यहाँ से गाइस हम चलते हैं स्टैट्स की। तो गाइस स्टैट्स क्या कहते हैं, वेन्यू पे तो कोई रिकॉर्ड नहीं है प्लेयर्स का, हेड टू हेड के अंदर है तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ जिन जिन प्लेयर्स का है। सबसे पहले ऑकलैंड हार्ट्स की तरफ से प्रियो कॉटन जो टीम की कैप्टन है, 1 मैच खेला है, 5 रन किया है, इजी गेस हेड टू हेड में 4 मैच में 21 रन है, कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं। एमी अकर का 1 मैच में 2 विकेट है, 32 रन है, बॉलर है, 32 रन किए, बड़ी बात है। होली एडल्सन 10 मैच के अंदर 8 विकेट है, 8 मैच के अंदर 230 रन बैटिंग से किया हुआ है 8 इनिंग्स में, 53-54 जो है इनका हाईएस्ट है होली एडल्सन का। यहाँ से गाइस केटी परकिंस का 9 मैच में 328 रन है, 52-53 इनका हाईएस्ट है हेड टू हेड में। साची सहरी के 4 मैच के अंदर 81 रन है, 65 इनका हाईएस्ट है। नॉर्दर्न ब्रेव की तरफ से हम बात करें जिनका रिकॉर्ड है हेड टू हेड में, एमआर रिचर्डसन 5 मैच के अंदर 5 विकेट है, 53 रन है, बिग टाइम स्ट्रगल कर रही है अपने फॉर्म को लेकर। कैरल अगाफिल 1 मैच के अंदर 9 रन है, सैम बरीबल 5 मैच के अंदर 110 रन है, मेरेमा डाउंस 1 मैच के अंदर 1 विकेट है, बॉलर है। यहाँ से काइली नाइट का 1 मैच के अंदर 1 विकेट है, श्रेया नायडू का हेड टू हेड में परफॉर्मेंस है नहीं लेकिन रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है मंदी का, चालू सार्ट्सफील्ड 8 मैच के अंदर 3 विकेट है, होली टॉप 2 मैच के अंदर 8 रन है, नैन्सी पटेल 8 मैच के अंदर 12 विकेट है विद द बॉल, 174 रन है विद द बैट, 32 और 71 जो है बंदी का हाईएस्ट है, हाईली टैलेंटेड है नैन्सी पटेल।
बस इनका बैटिंग ऑर्डर यार नीचे कर देते हैं थोड़ा सा। लूसी बाउचर 9 मैच के अंदर 9 विकेट है, 7 मैच के अंदर 18 रन है, तो बॉलिंग बैटिंग से कुछ नहीं किया, सॉरी बॉलिंग से 9 मैच के अंदर 9 विकेट है। यही था गाइस हेड टू हेड परफॉर्मेंस, जिन प्लेयर्स का नहीं है उनका नहीं है, वेन्यू रिकॉर्ड भी नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। यहाँ से गाइस डायरेक्ट चलते हैं टीम मेकिंग पे हमारी। उससे पहले गाइस ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मिलेगी, क्लिक करोगे सीधे आपका टेलीग्राम का एप्लीकेशन खुल जाएगा। सेमीफाइनल की वीडियो देके आ रहा हूँ नंबर 2 की। यहाँ पर गाइस आप एक चीज़ देखोगे, 2-3 पोस्ट स्क्रॉल करना, एक 1-1 का एप्लीकेशन है, काफ़ी कमाल का है प्रेडिक्शंस के लिए। यहाँ पर गाइस ये वाला मैच ज़रूर खेलना, हमारे बंदे यहाँ पर भाई 100-150 इन्वेस्ट करके 500-500 तक का प्रॉफिट उठा रहे हैं। रीज़न उसका क्या है, 1-1 पे जब आप जाओगे इस पर साइन अप कर लेना, देखो ये आपके सामने लिंक है, इस पर रजिस्टर करोगे, साइन अप कोड PFTips यूज़ करना, आपको 500% बोनस प्लस 3 फ्री स्पिन्स मिलेंगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है बेनिफिट, आप ऊपर यहाँ पे जब साइन अप कर लोगे उसके बाद ऊपर सर्च बटन है उस पर सर्च करना, आज का जो ये वाला मैच है ना इसका नाम डालना, ऑकलैंड डालना बस, आप ऑकलैंड हार्ट्स ये गाइस मैच आ जाएगा। जब मैच पे जब आप क्लिक करोगे तो नीचे सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आपको कहाँ प्रेडिक्शन करने हैं, उसमें गाइस प्लेयर होंगे टॉप प्लेयर फ्रॉम टीम 1, टॉप प्लेयर फ्रॉम टीम 2, बैटर्स में और बॉलर्स में, भाई स्टैट्स देख लो, प्रिडिक्ट कर दो, 100 लगाओ, 50 लगाओ, 10 लगाओ, जो लगाना आपको लगाओ, लेकिन रिटर्न्स बहुत तगड़े आपको मिलने वाले हैं, लगा के सो जाओ। प्लेयर अगर नहीं खेलेगा तो पैसा रिटर्न आ जाएगा, प्लेयर खेलेगा तो आपका यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा अगर वो टॉप प्लेयर रहा। और बहुत इजी है, स्पेशली HBG शील्ड में, वेमेंस मैच में बहुत इजी होता है प्रिडिक्शन करना, आप वहाँ पर जाके देखो आपको पता चलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और यहाँ पर आप सब लोग खूब सारे प्रिडिक्शंस करें, इजी प्रिडिक्शन करें, कोई आपके ऊपर लोड नहीं है, है ना, 10-20 रुपये का भी जैसा आपको बजट हो वैसा कर सकते हैं। यहाँ से गाइस चलते हैं टीम क्रिएशन की तरफ। तो यहाँ से अभी के लिए जो मैंने स्मॉल लीग की टीम अपनी करी हुई है वो कुछ इस तरीके से, और ऐसी हो सकती है मेरी फाइनल टीम क्योंकि मैंने वही प्लेयर लिए हैं जो खेलने वाले हैं। यहाँ से गाइस होली टॉप है विकेट कीपर में, KT परकिंस है, साची सैरी है, सैम बरीबल है, और कोई अच्छा ऑप्शन लगा नहीं। यहाँ से गाइस ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने सार्सफील्ड लूसी बाउचर को लिया हुआ है क्योंकि अब बड़े प्लेयर नहीं है और प्लेयर नहीं है तो हो सकता है कि लूसी बाउचर स्टेप अप कर जाए। सार्सफील्ड को लेना इंपॉर्टेंट है, टैलेंटेड स्पिनर है। यहाँ से होली एडनस्टन को मैंने लिया है, वाइस कैप्टन दिया, नैन्सी पटेल को कैप्टन दिया हुआ है क्योंकि और कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं, कैप्टन वाइस कैप्टन आराम से फ्लिप किए जा सकते हैं। बॉलिंग में मैंने श्रेया नायडू को लिया है जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा है, काइली नाइट को लिया है जो कि अंडररेटेड प्लेयर है, और एमी अकर बैटिंग बॉलिंग दोनों सपोर्ट दे सकती हैं। तो कुछ इस तरीके की मेरी स्मॉल लीग की टीम हो सकती है। अब देखो ग्रैंड लीग की टीम भी भाई यही होती है, इनमें बस एक एक दो दो चेंजेस करने होते हैं। यहाँ से देखो कि आप यहाँ पर एक दूसरे कॉम्बिनेशन में होली टॉप की जगह इसी के इसको ट्राई कर लो, है ना। यहाँ से बैटिंग में और कोई खेलने वाला है नहीं इसलिए अच्छा ऑप्शन है नहीं, ये 3 जरूर खेलने वाले, इन तीनों में से एक एक प्लेयर आप अपनी हर टीम में रोटेट कर लेना। हो सकता है भाई कोई चल गया, अगर 30-40-50 रन कर गया तो आपको यहाँ से पॉइंट देगा, और कोई खेलने वाला नहीं है। यासिन करीम भी खेलने वाली है लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ ऐसे रन स्कोरिंग की नहीं है, आप सीज़न देख सकते हो 20 रन 15 रन नहीं किए हुए। बॉलिंग ज़रूर डाली हुई है यहाँ पर, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 11 रन किए थे, यहाँ पर बॉलिंग ही नहीं कराई थी, तो भाई बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स प्लेयर है ये, है ना, कोई इन पे प्रेडिक्शन आप रख नहीं सकते हो। लेकिन ग्राइंड लीग इज़ द लॉटरी, तो वहाँ पर लॉटरी में तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडर से और कोई खेलने वाला है नहीं, बेला आर्मस्ट्रांग कमाल की प्लेयर है लेकिन वो खेलेंगे नहीं आज के मैच में, स्क्वाड में अनाउंसमेंट ही नहीं है। केट एरवेन होंगे, इनको आप ट्राई कर सकते हो। तैश वल्कन खेलने वाली है नहीं, बाकी सारे प्लेयर्स कोई है नहीं। यहाँ से मैंने कहा इस MR रिचर्डसन को अपनी टीम से ड्रॉप किया हुआ, मैं इनको ले सकता हूँ जस्ट फॉर लूसी बाउचर, है ना, लेजेंडरी प्लेयर है, चल सकती है, तो ये भी मेरी टीम हो सकती है। इन दोनों में से ही मेरे कॉल लेना है, लूसी बाउचर या MR रिचर्डसन। हालांकि चांसेस ज़्यादा MR रिचर्डसन को लेंगे तो मैं इन्हीं के साथ फाइनल प्लेयर जा सकता हूँ। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो इनको वाइस कैप्टन कैप्टनसी भी दे सकते हो भाई, बेफिक्र होके, टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करती हैं और अच्छी खासी आपके लिए प्लेयर रहेंगी। वहीं बॉलिंग सेक्शन में आ जाओ तो स्मॉल लीग के लिए तो मैंने देखो जो सही लगे वही लिए, श्रेया नायडू, एमी अकर, काइली नाइट। यहाँ से एक चेंज मैं कर सकता हूँ, यहाँ से काइली नाइट की जगह मैं मैरामा डाउन्स को ले सकता हूँ, इनका भी फॉर्म अच्छा है, मतलब दोनों बराबर ही है, काइली नाइट या इनको किसी को भी लो। अब ग्राइंड लीग में गाइस जोसी पेनफोल्ड को ट्राई करो, स्मॉल लीग के लिए मैं ले नहीं पा रहा हूँ स्मॉल लीग में ना, किसकी जगह पर लूँगा, तो ग्राइंड लीग में आप इनको जोसी पेनफोल्ड को ट्राई करो, वॉलेंट को ट्राई करो, बाकी और कोई यहाँ से खेलने वाला है नहीं। तो यही गाइस कुछ पिक्स हैं जिन पर आपको बैट लेनी है आज के मैच में, जस्ट अ सेकेंड गाइस। तो यहाँ से गाइस हम कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात कर रहे थे, स्मॉल लीग का मैंने आपको बता दिया, मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन ऐसे रह सकते हैं, मैं फ्लिप कर सकता हूँ, अदरवाइज यहाँ से जो है कि इनको MR रिचर्डसन को भी आप दे सकते हो, बेफिक्र होकर दे सकते हो भाई, कमाल की प्लेयर है। अब जिनको थोड़ा सा डिफरेंशियल जाना है तो उनके लिए मैं ग्राइंड लीग में ही बताऊंगा, स्मॉल लीग में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करो नहीं क्योंकि भाई कोई नहीं करेगा, कोई चैनल कवर करता है नहीं मैच, तो कोई बंदा भी मुझे नहीं लग रहा है करके आएगा। आप कर सकते हो अगर स्मॉल लीग में चाहो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा ग्राइंड लीग में। अब कौन से पिक्स होंगे, देखो सैम बरीबल,
इनके संग खेलती थी लास्ट ईयर, ब्रोक हेलीडे भी इसी में खेलती थी ना, अभी है नहीं स्क्वाड में, उनके संग खेलती थी, अच्छी पार्टनरशिप की हुई है। तो सैम बरीवल एक डिफरेंशियल वाइस कैप्टनसी की पिक्स हो सकती है, केटी परकिंस हो सकती है, एक आध ओवर कभी बॉलिंग केटी परकिंस करा सकती है, और जैसा कि इनका फेयरवेल मैच है तो हो सकता है अच्छा करके जाएं। सेम होली एडर्सन के साथ है, इनका भी फेयरवेल मैच है फॉर ऑकलैंड हार्ट्स। यहाँ से इस बॉलिंग में अगर आप मुझसे पूछो तो जैसा आपने स्टैट्स देखा 31 रन प्लस एक विकेट इस हेड टू हेड के अंदर किए हुए एमी हकर ने, तो ये अच्छी ऑप्शन है, और श्रेया नायडू का फॉर्म जो है वो अच्छा है, तो श्रेया नायडू आपके लिए अच्छी ऑप्शन है। बाकी और कोई यहाँ से मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं लग रहा है। होली टॉप को आप चाहो तो ग्रैंड लीग में दे सकते हो, अदरवाइज जो मैंने आपको पिक्स बताए उन्हीं पर आप फोकस करिएगा। बाकी का इस टीम के लिए जैसा मैंने अभी बताया टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।